नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एमएसएमई कंसल्टेंट और आप देख रहे हैं माय बिजनेस गुरु। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात करी थी कि किस तरीके से समय बदलने वाला है। बहुत जल्दी आपको 3 से 5 साल के भीतर भीतर आपको रोडों पर दिखेंगे हर तरफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, चाहे वो फोर व्हीलर्स की हम बात करें चाहे हम टू व्हीलर्स की बात करें। तो टू व्हीलर्स की हम आज इस वीडियो में बात करेंगे, फोर व्हीलर्स के लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, वो आई बटन में मैं उसका लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो ही टॉपिक पर बात करेंगे कि किस प्रकार से आप इसमें काम कर सकते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हैं। दोस्तों देखिए, आने वाले जो समय होगा वो काफ़ी सारे आप देखेंगे कि जो ब्रांड हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड जो फ़ोन में आप नाम सुना करते थे, जो नोकिया है, मोटरोला है, सैमसंग है, इस तरह के जो अच्छे अच्छे ब्रांड थे उनकी एक मोनोपोली टाइप में हुआ करती थी। एक समय बदला, कुछ इस तरह के ब्रांड सामने आपके आए, ओप्पो, वीवो, शाओमी टाइप के इस तरह के कुछ ब्रांड आए जो कि बहुत अच्छे खासे फेमस हो गए, लोगों को लगा कि वैल्यू फॉर मनी दे रहे, तो लोगों ने अपने आप को उधर की तरफ शिफ्ट कर लिया और लोग आज उनके ब्रांड खरीदने लग गए। उसी प्रकार से टू व्हीलर्स में आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े ब्रांड हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं, TVS हो गया, TVS के अलावा हीरो है, होंडा है, सुजुकी है, यामा है, कावासाकी है, जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं ये बहुत जल्दी शायद अब पीछे छूट जाएंगे क्योंकि काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हमारे इंडिया में तैयार हो चुके हैं जो कि टू व्हीलर्स की धड़ाधड़ तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स और बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स। इस वीडियो में हम सिर्फ दो ही टॉपिक पर बात करेंगे, किस प्रकार से आप एक डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनके काम कर सकते हैं, और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे किस प्रकार से आप जो पुराने व्हीकल्स हैं उनकी एक तरह से हाइब्रिड फिटिंग पे आप काम करके ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको काफ़ी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप उनसे वन बाय वन डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए बात कर सकते हैं। मैंने इन लोगों से बात किया, काफ़ी सारे लोगों से, तो लगभग इन्होंने अपना खर्चा 10 लाख से 50 लाख के बीच में बताया। सबके अलग अलग खर्चे हैं। मेरा तो मानना है दोस्तों, जब भी आप सब लोगों से बात करें, आप इन लोगों के कॉर्पोरेट ऑफिस भी विजिट करें, जब आपको इनकी बातें सही लगें और आपको लगे कि इनके साथ आप आगे काम कर सकते हैं, इनकी असेंबली लाइन और जहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं वहां, उन दोनों स्थानों को भी आप विजिट करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें इनके साथ काम करने या ना करने का। तो दोस्तों, अब आप देख लीजिए कि काफ़ी सारे लोग मार्केट में आ चुके हैं, उनमें से अगर मैं यहाँ पर कुछ छोटे मोटे की चीज़ों की अगर मैं बात करूँ, देखिए एक समय था जहाँ पर बड़ा ख़राब एक्सपीरियंस लोगों ने देखा, उसमें यो बाइक करके एक व्हीकल बीच में आया था स्कूटर के रूप में, लेकिन उसका एक्सपीरियंस इतना ख़राब था लोगों के लिए कि लोगों ने उसको 4, 5 या 6 महीने हाईएस्ट यूज़ किया, उसके बाद उसको कचरे में डाल दिया, वो बिल्कुल ही काम का नहीं था। लेकिन अभी थोड़ा समय ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी पर काफ़ी अच्छा काम हुआ है, फ्यूचर इसका आने वाला अच्छा है। आप देखेंगे कि इतने इसमें हम जो मेनली यूज़ कर रहे हैं लिथियम आयन बैटरी को यूज़ किया जा रहा है, लिथियम आयन बैटरी जो है काफ़ी अच्छी आ रही है, और जो इसकी चार्जिंग की अगर बात करूं तो पहले सुविधाएं नहीं थी, अब चार्जिंग बहुत अच्छी है, इसकी जो बैटरी पोर्टेबल है, आप इसको स्कूटर से बाहर निकाल सकते हैं, और जहां फ्रेंड रिलेटिव जिनके पास भी आप जा रहे हैं वहाँ एज ए फ़ोन चार्ज करते हैं, उस प्रकार से भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा जल्दी चार्ज होने वाले हैं, अच्छी पावर के साथ हैं और अच्छा माइलेज देते हैं, यानी कि इनका जो बैटरी बैकअप है वो भी बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में लोग इन पर थोड़ा ट्रस्ट करेंगे, लोग इनको समझेंगे और लोग इनके प्रति अट्रैक्ट होंगे। पॉल्यूशन ये बिल्कुल भी नहीं फैलाता है, दूसरा आपके जेब पर भी बहुत ज़्यादा भारी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि खरीदते समय ही इसको आपको एक बार पैसा देना, उसके बाद इसकी मेंटेनेंस और इसको काम में लेने के लिए किसी प्रकार की कोई भी आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जैसे वर्साटाइल, एक ये स्टार्टअप के द्वारा ही बनाया गया बहुत ही अनोखा सा एक मॉडल है, ये लगभग 45 किलोमीटर की स्पीड से चल सकता है। कंपनी का दावा है कि किसी प्रकार के RTO रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, न ही किसी प्रकार के लाइसेंस की ज़रूरत है इसको चलाने के लिए। ये भी एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, एक कह सकते हैं कि एक सेगमेंट आया है इसमें। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसमें ब्लैक स्मिथ, ये भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखते ऐसा मन कर रहा है कि तुरंत ही इसको परचेज़ कर लें और चला के देखा जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके अलावा TVS क्रून, ये भी एक मार्केट में बहुत अच्छा आने वाला एक अपकमिंग टू व्हीलर्स है। इसके अलावा ब्लेंडिंग ओरा, ये भी एक आने वाला समय का एक बहुत अच्छा एक टू व्हीलर सब्स्टिट्यूट हो सकता है। इसके अलावा और देखें नेक्स्ट आर्थर 450X, ये भी आप देखिए कितना अच्छा है देखने में, एक अच्छा बेहतरीन डिज़ाइन के साथ में है। ई प्लोटो 7G, ये भी देखिए कितना बेहतरीन ब्रांड है। तो दोस्तों, मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि जो नए हमारे स्टार्टअप जो काम कर रहे हैं और जो पुराने हमारे इस्टेब्लिश जो ब्रांड हैं, इनके बीच में बहुत घमासान टक्कर होने वाली है, और जो हमारे नए स्टार्टअप्स हैं डेफिनेट उनकी R&D कॉस्ट भी कम आती है, तो वो जल्दी से जल्दी बहुत बेहतर से बेहतर ब्रांड आपके सामने पेश करेंगे और
जो स्टैब्लिश कंपनियां होती हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, क्योंकि खर्चे खुद के रूटीन खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, जो नए स्टार्टअप हैं उनके खर्चे थोड़े कम हैं, तो एक वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। तो दोस्तों अगले जो हम बात कर रहे हैं कि इसमें आप जो अर्निंग कर सकते हैं जो कन्वर्जन किट के साथ में, दोस्तों कन्वर्जन किट में होता ये कि आप देख रहे हैं अपने चारों तरफ 99% जो व्हीकल्स हैं पेट्रोल से चलने वाले हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे टू व्हीलर अगर मार्केट में आएगा तो पेट्रोल व्हीकल्स बिल्कुल यूजलेस हो जाएंगे, इनकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। दोस्तों होगा ये कि जितने भी आपके पेट्रोल व्हीकल्स हैं कहीं कन्वर्जन किट लगाई जाएगी, कन्वर्जन किट लगाने के बाद आप इनको पेट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरीके से काम में ले सकते हैं। इसके जो अब कंपनी के कंसेप्ट ये है कि यहाँ जो इसके अगला व्हील है उसको चेंज कर दिया जाएगा, उसमें व्हील मोटर होगी अंदर, और उसके बाद एक बैटरी आपके सीट के कहीं नीचे फिट कर दी जाएगी, एक कंट्रोलर होगा और वायरिंग होगी। उसके बाद जब आपको पेट्रोल है पेट्रोल से चला सकते हैं, पेट्रोल ख़त्म होगी तो आप इलेक्ट्रॉनिक पा सकते हैं, जब आपकी इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग खत्म हो जाती है फिर आप पेट्रोल से शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही मोड आपको अवेलेबल रहेंगे, तो इसमें भी आप जा सकते हैं और इसमें भी एक अच्छा खासा मुझे लगता है कि एक बिजनेस किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट का आपको जवाब दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।